हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और ये मेरा गांव रोलाकोट, और हम जा रहे हैं आज प्रताप नगर बर्फ में मस्ती करने। और प्रताप नगर यहाँ से दिख नहीं रहा है, हल्के हल्के यहाँ से मतलब आप देख सकते हैं, हल्के हल्के दिख रहा है, बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे। और ये हमारा गाँव है रोलाकोट, और ये मेरे दोस्त अमन वेस्ट और सुमन वेस्ट, यहाँ पे सचिन डंगवाल जा रहे हैं आज मस्ती करने बर्फ में। चलो ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों इंडिया का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज, इसका नाम है डोबरा चांटी पुल। ये आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर के इलाकों में बर्फ पड़ी हुई है आज, इसलिए हम जा रहे हैं प्रताप नगर बर्फ में घूमने को। और आप देख सकते हैं कैसे झील का ये व्यू दिख रहा है यहाँ से पहाड़ों के बीच से ये रास्ता जा रहा है। और मिलते हैं आपको आगे वीडियो में। हमने जाना है वहीं ऊपर प्रताप नगर में।
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मनाली और आप देख सकते हैं किस कदर बर्फ पड़ी हुई है और रोड में काफ़ी फिसलन हो रही है यहाँ पे, और ये हमारे दोस्त आगे फिसल चुके हैं। ओ भाई साहब लगे थे नहीं ओए, रुक जा आराम से, तो उधर ही तो पैदल चलो, पैदल चलो। हाँ पैदल। दोस्तों गाड़ी लगा दी हमने साइड और यहाँ पे गाड़ी नहीं जा पा रही इससे आगे, बहुत कोशिश की हमने। हमारे अमन भाई यहाँ पे फिसल भी चुके हैं, अब यहाँ से थोड़ा पैदल ही जाना पड़ेगा। अब देखते हैं प्रताप नगर तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी हुई है मनाली में। देखते हैं अभी दोस्त लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे बाइक हमारी पूरी तरह फंस चुकी थी, अब निकालने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। कैमरा मैन हमारा ऐसी है बेकार है, ये सचिन डंगवाल इसका नाम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ किस कदर पड़ी हुई है। अभी तो प्रणाम नगर बहुत ऊपर है, यहाँ से इतना तो जाना मुश्किल ही है हमारा, इतना जा भी नहीं पाएंगे। और यहाँ पे बर्फ का एंजॉय करते हुए भाई लोग यहाँ पे, और यही हम, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और ये आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पे बर्फ। देखो आप पेड़ों पर कैसे अटकी हुई बर्फ, गला सब ये। और यहाँ पे आकाश भाई काकू भाई यहाँ पे बना रहे स्नोमैन, आप देख सकते हो किस कदर बाइक के हाल, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिसल पूरे फिसल रहे हैं टायर यहाँ पे। यही हाल है सारी बाइकों का यहाँ पे, बाइक इससे ऊपर जा नहीं रही है। देखिए किस कदर है यहाँ पे पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। आकाश भाई ने यहाँ पे स्नोमैन बना दिया जिसका एक ही हाथ है एक हाथ गायब है। और सचिन डंगवाल जो कि दिल्ली से हैं यहाँ पे काफी एंजॉय कर रहे हैं बर्फ को, उनका यहाँ पे रंजन धनाई और मैं। और ये देखा आप छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे कैसे है ये खेल रहे हैं बर्फ में, मैं नहीं मानी। और आकाश भाई ने बना दिया यहाँ पे स्नोमैन, काफी अच्छा है ये दिख रहा है। एक बार फिर यहाँ पे है, अबे भाई इतना गर्म करने वाले नहीं, ये वीडियो में नहीं दिखा है। अब आप देख सकते हैं आप ये कैसे हाल है। अब हो चुके हैं यहाँ पे, अब इससे ज्यादा तो धक्का मार के ले जानी पड़ेगी गाड़ी। बड़ा
जैसे भी आ रही है यहाँ पे बर्फ हटाने के लिए, बर्फ इतनी ज्यादा है यार, चल ही नहीं पा रही है। तो दोस्तों अब हम लौट रहे हैं घर को, क्योंकि बर्फ जो बहुत ज्यादा थी और गाड़ी हमारी चल नहीं पा रही थी बर्फ में। दोस्तों यहाँ से ऐसे कुछ दिखता है, आसमान गिरने वाला है और बारिश, यहाँ पे बारिश की संभावना है, इसलिए हम घर आ रहे हैं, क्योंकि हमारा घर है यहाँ से काफी दूर और हम नहीं चाहते यहाँ बारिश में भीगे, क्योंकि काफी ठंड होने वाली है, काफी ठंड लग रही है। यहाँ पे हमारे दोस्त, हमारे भाई काफी इंजॉय किया, काफी मजा आया। यहाँ से कुछ ऐसा कुछ व्यू दिखता है नीचे, ये टीरी झील है और नीचे थोड़ा सा डोबरा चांडी पुल भी दिख रहा है। चलो ठीक है भाई, अब चलते हैं हम भी घर को। ओके बाय।